विदिशा में एनसीसी 14 एमपी बटालियन के 160 से अधिक कैडेट्स आज कर्नल अरविंद राणा, सूबेदार मेजर विनोद सिंह के निर्देशन में बुजुर्गों की सेवा के संस्कार ग्रहण करने हेतु विदिशा पुराना जिला चिकित्सालय परिसर स्थित श्री हरि वृद्ध आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने वृद्ध आश्रम की संचालन व्यवस्था का जायजा लिया और अपने परिवार के बुजुर्गों के प्रति व्यवहार करने के तरीकों से अवगत हुए और बुजुर्गों के साथ एक दिन का समय गुजारा। इस अवसर पर अनेक बुजुर्गों की आपबीती कहानियां सुनकर एनसीसी कैडेट भाव विभोर हो गए। इस दौरान कई कैडेट्स की आंखों में आंसू आ गए। कार्यक्रम में कई बच्चों ने बुजुर्गों को हर संभव मदद का विश्वास दिलाया तो कई बच्चों ने उनसे निरंतर मिलकर उनके सुख दुख में भागीदारी बनने का संकल्प लिया। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। मेवा भाई, अच्छी सुविधा है, सब बात की सुविधा है। कोई तबीयत खराब हो जाती है तो तुरंत ले जाते हैं अस्पताल में। कपड़े से लत्ते से सब बात की सुविधा, तना कुछ हो जा, अच्छी सुविधाएं हैं। हाँ, अच्छी सुविधा। एनसीसी के सारे छात्र बच्चियां हैं। हाँ, सब सब सुविधा है। सुनिए ना, आज इतने सारे जो बच्चे आए उनसे आपकी बात हुई है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बेटा, मैंने पूरी आपकी देख लो तरक्की बढ़ा है मालिक, तुम्हारी तरक्की बढ़ा है, सब बात की सुविधा। मेरा नाम आयुषी तिवारी है, यहाँ गर्ल्स कॉलेज की तरफ से आई हूँ। यहाँ 14 एमपी बटालियन सीओ सर हमें यहाँ पे लेके आए हैं। यहाँ पे आके हम लोगों ने देखा है कि सारे वृद्धों को बहुत अच्छे से तो रखा जा रहा है यहाँ पे, सभी जो हैं उनकी सुविधाएं उन्हें दी जा रही हैं। लेकिन क्या है, सबकी कहानी बहुत ज़्यादा अलग अलग है। सबको बेटों ने छोड़ दिया है, किसी की बेटी छोड़ कर गई है उन्हें, तो ये सोच हमें बदलनी है क्योंकि युवा पीढ़ी जो है वो आगे का भविष्य है। आगे हम चाहते हैं कि आगे जो हैं जितने अभी हैं इस पीढ़ी के बाद जो हम लोगों के माता पिता हैं वो इस वृद्धाश्रम में ना आए आगे, बस यही हमारी सोच है यहाँ की। और आगे यही कोशिश रहेगी जितने भी वृद्ध जो बाहर रहेंगे, जो भी ऐसे लावारिस टाइप घूमते हैं। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे आए हुए ऐसा लग रहा है जैसे हमारा खुद परिवार आया हुआ है यहाँ पे। बहुत खुशी की बात है कि आज हमसे सब मिलने आए, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और भाई साहब जी का भी बहुत मतलब वो है कि हमें अच्छे से रखते हैं, कोई बात की परेशान नहीं करते, परेशानी नहीं है, खाना पीना सब अच्छे देते हुए हैं, खाना पीना अच्छे देते हैं, बहुत अच्छे रखते हैं, सब बात की सहूलियत है, कोई परेशानी नहीं है। हम जब अपने वालों ने भगा दिया तो फिर आश्रम में आना पड़ा हमको। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे दो लड़का है, एक लड़की है। अपना नाम? मैं इंदिरा शर्मा हूँ, संचालक श्री हरि वृद्धाश्रम। आज वृद्धाश्रम में कर्नल राणा सर 160 से अधिक क्रेडिट्स को लेकर यहाँ पर वृद्धाश्रम आए। इनमें बच्ची और बच्चे दोनों शामिल हैं। सभी बच्चों ने वृद्धजनों के साथ में इंटरेक्ट किया, उनकी समस्याओं को जाना, ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी जिनके कारण उन्हें यहाँ वृद्धाश्रम में आना पड़ा। सभी वृद्धों ने अपनी परेशानियाँ किस तरीके से उनके परिवारजनों के द्वारा, उनके बच्चों के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उनकी सेवा नहीं की जाती, कैसी परिस्थितियाँ, क्या क्या घटनाएं उनके साथ में घटित होती हैं जिसके कारण आगे वृद्धाश्रम में यहाँ आकर आने के लिए मजबूर हो गए। ऐसी दर्दनाक कहानियाँ हमारी माताओं ने बच्चियों को सुनाई कि उनके आंसू देख हमारे आंसू भी नहीं रुक सके थे, बहुत ही दर्दनाक स्थिति थी। लेकिन खुशी इस बात की है बच्चों को भी कि आज यहाँ वृद्धाश्रम में आकर सभी वृद्धजन। अंडर ऑफिसर मनीषा लोधी आज एनसीसी के सभी कैडेटों को वृद्धाश्रम लेकर आए थे और यहाँ पे सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बुजुर्गों से बात हुई है आपकी? यस सर। देख रहे थे आपकी आंखें भी नम हो गई थी। यस सर। क्या बातचीत रही? क्या लगा, आपकी भावनाएं क्या आई? सर, घर पे सब आपको अपने माँ बाप को बहुत अच्छे से रखना चाहिए, वृद्धाश्रम आने की नौबत नहीं आनी चाहिए किसी को भी, सभी को अपने माँ बाप को घर पे बहुत अच्छे से रखना चाहिए, बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए सर। वृद्धाश्रम बनाने के लिए सर वृद्धाश्रम भेजने नहीं चाहिए किसी बच्चों को अपने माँ बाप के लिए। चलो शिफ्ट हो जाओ बेटा। आपकी बातचीत भी हुई है? यस सर। वो दादी का बेटा था, फिर भी दादी को वृद्धाश्रम आना पड़ा क्योंकि घर में झगड़ा होता था, इसलिए उन्हें वृद्धाश्रम आना पड़ा कि वो अच्छे से रह सके, उनके बच्चे अभी भी उनका इतना अच्छा सोच है। सर वृद्धाश्रम में वो बहुत अच्छे से रह रही हैं, उन्हें खाना पीना भी बहुत अच्छा मिलता है और यहाँ पे उन्हें बहुत। मेरी फैमिली तो समाप्त हो चुकी है पूरी, पत्नी मर गई, लड़का मर गया, बहू मर गई हैं, और साला मर गया, साड़ू भाई मर गए, सब बस अकेला मैं ही बचा हूँ।
मैं यहाँ वृद्धाश्रम में रहता हूँ, मेरी 78 साल की उम्र है, मेरे को 6 साल यहाँ रहते हो गए, बहुत अच्छी तरीके से रहता हूँ, हर बात की यहाँ पर सुविधा है, कोई परेशानी नहीं है, मेरे परिवार में तो कोई नहीं है, केवल 2 नातनी और 1 नाती है, बस वे अलग रहते हैं मेरे से। मेरा नाम कर्नल अरविंद राणा है, मैं विदिशा में स्थित 14 बटालियन NCC का कमान अधिकारी हूँ। हमारी बटालियन विदिशा, रायसेन इन जिलों की 33 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में NCC का संचालन करती है और तकरीबन 3,500 कैडेट्स हैं जो हमारी बटालियन से जुड़े हुए हैं। आज आपकी जो NCC की छात्र है उनको खाना लेके आए और क्या मैसेज कर रहे हैं? श्री हरि वृद्धाश्रम से, वेद जी से, इंदिरा जी से मेरा संपर्क पिछले साल शुरू में हुआ था, जिस वक्त हम कैंप चला रहे थे उस टाइम पर वेद जी मुझे मिलने आए थे दूरदर्शन के प्रतिनिधि के तौर पर वहाँ बातों बातों में उन्होंने बताया कि ये एक वृद्धाश्रम का भी संचालन करते हैं और एक पैम्फलेट मेरे पास ये रख गए। सोशल सर्विस, समाज सेवा NCC के चार्टर में है। मैं सोच ही रहा था कि समाज सेवा के तहत क्या कार्रवाई की जाए और तभी उस पैम्फलेट पर मेरी निगाह गई तो मेरे दिमाग में आया कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो पिछले साल हम आए थे, तकरीबन 150 कैडेट्स लास्ट ईयर भी आए थे, इस बार 160 के करीब हैं। तो हमारा मकसद होता है कि सबसे पहले बुज़ुर्गों के साथ समय बिताना, उनका तीसरी पीढ़ी से मिलाप करवाना। हमारी पीढ़ी जो है वो बुज़ुर्गों की पीढ़ी और बच्चों के बीच की पीढ़ी का लिंक है। तो मुख्य मकसद था कि बुज़ुर्गों के साथ समय बिताएं बच्चे, उनकी कहानियां जानें, ये प्रण लें कि वो अपने बुज़ुर्गों के साथ कभी ऐसा नहीं करेंगे जब वो समर्थ हो जाएंगे, और ऑफकोर्स थोड़ा मोटा सहयोग जो हम कर सकते हैं वो करें और बुज़ुर्गों से आशीर्वाद लें। पिछले साल भी ये जो एक दिन था ये बड़ा स्मरणीय था मेरे लिए, मेरी बटालियन के लिए, मेरे कैडेट्स के लिए, और इस साल भी आके बड़ा हमें अच्छा लगा और हम आगे भी आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, आशीर्वाद लेते रहेंगे, समय बिताते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।